व्हाट्स अप गाइस, दिस इज साहिल वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साहिल फिटनेस फ्रीक। सो गाइस, आज का हम टॉपिक है हमारा, वो है वर्कआउट के ऊपर है और नॉलेज के ऊपर है। आज मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगा, जिम के रिलेटेड करवाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिम अगर नहीं करते हो, और जिम जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए अगर आप अंडर एज हो, आप 15 हो, आप 10 प्लस हो और आप 20 प्लस हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की, जिन लोगों को नहीं पता चलता है उनको भी पता चले गाइस। तो ऐसे ही गाइस अपना प्यार भी दें। सो गाइस, आज मैं आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइस। सो गाइस, इसको प्रॉपर फॉलो करना आप, जो मैंने एक दो साल अपने स्टार्टिंग में फेस किया था कि किसी की गाइडेंस आपको नहीं मिलती है, अगर आपको कोई ट्रेनर प्रॉपर नहीं बता रहा है तो आपको ये चीज़ें आपको गाइस पता होनी चाहिए। इस बेस पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारी यूथ आज के टाइम पर ये मिस्टेक्स करते हैं, और आपको जिम जाने से पहले क्या करना चाहिए, और आप अगर जिम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप 13 एज के हो, आप 14 के हो, आप सोच रहे हो कि मैंने जिम करना है, मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, तो डायरेक्ट आप जिम ना जाएं। ये मैं आपको कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो गाइस, पहला ये है, अगर आपने जिम जाने का सोच रहे हो तो गाइस, उससे पहले आपको 3-4 महीने जो बेसिक होते हैं, जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि गाइस पुशअप्स हो गए हमारे, हैंगिंग बार के साथ आप पुलअप्स कर सकते हो, आप चिनअप्स कर सकते हो, ये आपको गाइस रूटीन बनाने पड़ेगी और इसके आप अपने आप को अडिक्ट करना पड़ेगा गाइस। सो ये आपको आप गाइस ये आप रेगुलर बेस पर करें, साथ में अपना न्यूट्रिशन रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, जो आपका गोल है पहले गाइस अपना आप गोल सोच लें, आपका गोल क्या है, आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने फिटनेस के रिलेटेड करना है, या आपने गेनिंग करनी है, जो दुबले पतले होते हैं उन्होंने गेनिंग करनी होती है, मोस्टली ये होता है, कोई वेट लॉस करने के लिए आता है, कोई कुछ के लिए आता है, जो स्टार्टिंग के यूथ होती हैं आजकल की, जो 13-14 एज की, जो उनको कुछ नहीं पता होता, सीधा डायरेक्ट गाइस जिम में आते हैं, वेट उठाना शुरू करते हैं और उनको इंजरी होती है, फिर कुछ चीज़ें के वो कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। तो गाइस वो मिस्टेक्स आप ना करें, इस बेस पर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ये है कि अगर आज गाइस आपने जिम ज्वाइन करना है तो उससे पहले कि आपको ये पुशअप, पुलअप, चिनअप्स ये सब आपको करने चाहिए, जैसे कि आप बॉडी वेट अपनी एक्सेल करो, जो कि आपको जिम जाने में आपको बाद कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, जिम में वर्कआउट के दौरान कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको कोई बैलेंस प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी बॉडी वेट का गाइस अगर आप अपनी बॉडी वेट का वर्कआउट कर लेंगे तो गाइस आप जिम में भी काफ़ी आपको कंफर्टेबल होगा, कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो गाइस पहली आपको ये है कि आपने जिम अगर करना है तो जिम करने से आपको पहले एडिक्ट होना पड़ेगा, 3-4 महीने आप करें पुशअप्स, पुलअप्स और चिनअप्स, ये आप गाइस आप रख लो कि ये आपने करना ही करना है। और सेकंड गाइस ये आपका जो मैं बता रहा हूँ, सेकंड अगर आप गाइस जिम में जाते हो, जैसे आज है कि यूथ जाते हैं तो सीधे जाकर वो आकर वेट उठाना शुरू करते हैं कोई भी मशीन में, ऐसे कोई भी मशीन, मोस्टली सबको यही होता है कि हमने वेट उठाना है, जल्दी से तगड़ी तगड़ा होना है, हमने जल्दी से जल्दी हमने हैवी वेट उठाना है, ये करना है। तो ये गाइस कुछ टाइम के लिए होता है, जब आप करते हो रेगुलर बेस पर वेट उठाना शुरू करते हो, रोज़ ही आप डेली बेस पर वेट उठाते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपको जॉइंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपको बोन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कईयों को भाई मसल पुलअप हो जाता है गाइस, तो कई उनको मसल में प्रॉब्लम होती है, कईयों जॉइंट में होती है, ठीक है, कहीं तो ऐसे ही आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर करनी है, इस बेस पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्टेप भी बताता हूँ मैं आपको, पहले आपने अगर आपने जिम करना है तो उससे पहले आपने पुशअप, चिनअप, पुलअप्स करने हैं, देन आप अगर जिम जाते हो, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो, शोल्डर की करते हो, बैक, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ठीक है, कंपाउंड, आइसोलेशन, तो गाइस आपने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो किस्में बहुत ही लोगों में ये चीज़ें प्रॉब्लम देखता हूँ वो है पोजीशन की, उनकी मूवमेंट गाइस बिल्कुल गलत होती है, कोई पोजीशन उनकी ठीक नहीं होती है, वो अपने हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज करते रहते हैं जिससे कि उनको गाइस रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनको गाइस रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फिर वो ऐसे 3-4 महीने वेस्ट करते हैं और जो फिर उनका जो होता है मोटिवेशन बिल्कुल डाउन होती है। तो ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे मिस्टेक्स ना करें, आप जिम में जाएं, पहले लाइट वेट से शुरू करें गाइस, अपने लाइट वेट से शुरू करें वो, और अपनी पोजीशन को, मूवमेंट को सही करें गाइस, ये भी एक तरह की स्टडी ही होती है, ठीक है, जैसे आप कर रहे हो स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही आपको प्रॉपर इसको समझना पड़ेगा गाइस।
इसके साथ अपने आप पूरा आप कॉम्बिनेशन बना लोगे तो फिर आपको ज़रा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी एक्सरसाइज करनी है गाइस तो आपको फिर उसमें आपको उस मूवमेंट को आपको पूरा देखना पड़ेगा गाइस, आपको फील करना पड़ेगा। कोई आपको कुछ डिवाइस देगा, अगर आप हर इंसान के पास आप जाओगे कि मैंने ये एक्सरसाइज करनी है इसकी मुझे ये बता दो ये बता दो ये बता दो, तो गाइस ये आप फिर आप उसी एक्सरसाइज में रह जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। सब हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है सर, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो मूवमेंट बताएगा। बट गाइस आपको वो मूवमेंट को देखना है अच्छे से, आपके मसल में जो भी आप कर रहे हो एक्सरसाइज, शोल्डर की कर रहे हो, चेस्ट भी कर रहे हो, आपको मसल में फील हो रही है प्रॉपर, क्योंकि हर एक का एंगल अपना होता है और हर एक की मूवमेंट अपनी होगी और हर एक का फील जो होता है वो अपना ही होता है। तो गाइस आपको देखना पड़ेगा आपको किस पोजीशन में कैसे आपकी बॉडी को सूट करती है, तो उस हिसाब से आप करें और इसको प्रॉपर ऐसे करें गाइस, इसको 3-4 महीने 6 महीने ऐसे करें कि आपकी मूवमेंट इतनी अच्छी हो जाए कि आप कोई भी एक्सरसाइज अगर हैवी भी करना चाहें तो आप बिल्कुल अपनी परफेक्ट मूवमेंट के साथ करें, ताकि आपको आगे इसकी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और अगर आपने वेट पुट ऑन करना है तो स्टार्टिंग में ना करें, आप पहले ऐसे करें बेसिक्स करें, फिर आप ऐसे उसके बाद थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ करें, फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, ऐसे ही करें। और मूवमेंट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मूवमेंट नहीं करते हो तो आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे जाकर, फिर आप वेट उठाओगे, आपको ज़्यादा वेट उठाने से आपके चेस्ट प्रेस कर रहे हो, शोल्डर कर रहे हो तो आपके शोल्डर में इंजरी होगी, आपकी चेस्ट में इंजरी होगी, क्योंकि आपकी मूवमेंट सही नहीं होगी, आपको फिर बैलेंस नहीं बनेगा। जब आपका बैलेंस नहीं बनता है तो फिर गाइस इंजरी ही होती है। तो मेन ये है, मैं आपको बता रहा हूँ ये दो स्टेप आप फॉलो करें, साथ में अपना न्यूट्रिशन सबसे अच्छा रखें। तो गाइस मैं देखता हूँ जिम में लोग एक्सरसाइज बहुत अच्छी करते हैं पर उनका न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं होता, जिससे उनकी बॉडी बहुत ही स्लो, बहुत ज़रा स्लो रहती है। वो कई बोलते हैं कि हमारी बनती नहीं, बॉडी नहीं बन रही, वो क्यों न्यूट्रिशन नहीं रह रहे हैं, बॉडी को जो नीड्स होती हैं प्रोटीन का आप फैट्स वो सही मात्रा में नहीं लेते हैं। तो आप अपनी डाइट को अच्छा करें, जो भी आपका गोल है उस हिसाब से अपनी न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर डाइट लें और इसको भी चलाएं। जैसे आप अपना वर्कआउट चला रहे हो गोल के हिसाब से, वैसे ही अपनी डाइट को भी चलाएं। फिर आपको रेगुलर बेस पर ऐसे करेंगे जो 3-6 महीने करेंगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा गाइस इसका। तो ये चीज़ें हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है आप थोड़ी रहें, आप एक्सरसाइज को समझिए, आप एक्सरसाइज में आप जैसे पूरा प्रॉपर उसमें घुस जाएं गाइस, पूरा माइंडसेट अपना बना लें कि हमने वो एक्सरसाइज जो कर रहे हो आपकी फॉर्म ऐसे जा रही है, आप कोई जैसे लैट्स कर रहे हो, रोइंग कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो, इनकी फॉर्म को इनके जो जैसे बाइसेप्स के हो गए गाइस, इनके 2 फॉर्म्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बाइसेप कर रहे हो तो लॉन्ग हेड में आ रहा है, और कर रहे हो जिगजैग कर रहे हो तो शॉर्ट हेड में आ रहा है, ऐसे ही आपको लैट्स पुल डाउन कर रहे हो तो आपके लैटरिज्म डोर्सी पर आ रहा है, ठीक है। अगर पुल ओवर कर रहे हो चेस्ट के तो आपके वो आपने पूरा अपने डिक्लाइन जो भी पोजीशन में कर रहे हो, डिक्लाइन, इनक्लाइन, फ्लैट, उस पोजीशन में कर रहे हो तो वो उस पोजीशन के हिसाब से आ रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ा आपको पता नहीं चाहिए। अगर आप ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हो बार बार के साथ, पुली के साथ, तो फिर आपको वो पता चलना चाहिए आपके लैटरल हेड में आ रहा है। ये चीज़ें आपको पता चाहिए कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो जिस मसल के लिए कर रहे हो उसके अंदर जो फॉर्म्स हैं उनकी वो पार्ट पर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा आपको वाइज समझना पड़ेगा इस चीज़ें को, ये थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ों का, इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेगा। आप ये मुझे पता है सर गाइस, ये एकदम से नहीं होगा, इसके लिए आपको टाइम चाहिए, जैसे इसका आपको 6 महीने चाहिए, साल चाहिए। जो हमने मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हम पहले जिम जाते थे तो ऐसे ये चीज़ें नहीं देखते थे उस टाइम पर, हम सीधे वर्कआउट करते ये करते वो करते, फिर कोई भी इंजरी होती थी ये भी होती, बॉडी ग्रो नहीं करती, मसल ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो ये आपने चीज़ करना है कि ये जो चीज़ें आप लगा रहे हो, एक्सरसाइजें कर रहे हो आप, तो ये चीज़ का आपको बस पता होना चाहिए कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो आप अपना उस मसल का आपको पता होना चाहिए कि वो उस मसल पर हिट कर रही है नहीं कर रही है। तो ये गाइज आप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पर ये चीज़ें देखता हूँ, मेरे पास भी मुझसे भी पूछते हैं कि ये पोजीशन ठीक है नहीं है, ये कैसी है, ये कैसी है, सब अपने अपने एंगल से, वो मुझे ऐसा बता रहा है, आप मुझे ऐसे बता रहे हो, उसने कल ऐसा बताया था, तो ये सबका अपना अपना तरीका है गाइस, और तो सबका अपना अपना तरीका है, तो उस हिसाब से आप अपना देखो आपको मसल में हिट हो रहा है अपने हिसाब से, नहीं हो रहा है तो आपको नहीं होता है वो भी अपने ट्रेनर से पूछें, आप पूछें उनसे क्यों से मसल में इसको हिट हो रही है नहीं हो रही है। अगर कोई नहीं बताता तो गाइस सर्च करें, आपके पास मोबाइल है, आज के टाइम पर हर इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हर इन्फॉर्मेशन गूगल पर दी गई है, यूट्यूब पर दी गई है, इस बेस पर मुझे भी लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और आप ये पूरा प्रॉपर समझ लो कि ये ओनली जिम में जाओ कोई फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए मत जाएं,
थोड़ा सीरियस होकर जाए, थोड़ा एडिक्ट होकर जाए। अगर आपने गोल सोचा है तो उस पर पूरा गाइस अपना पूरा फोकस रखें, पूरा फोकस होना चाहिए आपका। कोई टाइम पास फन के लिए करेंगे तो फिर आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी गाइस, आपको पैशन होना चाहिए। अगर आप में पैशन है तो आप जिम जाएं गाइस, फिर आपकी बॉडी भी बनेगी। अगर जो पैशन होता है ना इंसान में, वो कुछ करवा देता है वो, ठीक है। वो आपको सही न्यूट्रिशन करवाएगा, वो आपको वर्कआउट भी करवाएगा, प्रॉपर नॉर्मल हाई क्लास एडवांस ये सारा कुछ करवाएगा। तो आपको पता होगा आपने कितने डाइपर के करना है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी कौन से आप कितनी एक्सरसाइज करने के बाद आपको कितने मिनट की रेस्ट लेनी चाहिए, आपको कौन सा वर्कआउट करना है आपने, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और उसमें कितने आपने रैप्स रखने हैं, कितने स्टेप रखने हैं आपने, ये पूरा होना चाहिए। कितने सेट होने चाहिए आपके, ये आपको हौली हौली गाइस इसको टाइम देना पड़ेगा। ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो इसको टाइम दें और इसको समझें पूरे जिम को, सीरियस होकर करें आज के टाइम पर, फन के लिए एंटरटेनमेंट के लिए ना करें। और जो पहले मैंने आपको पॉइंट बताया है कि जिम जाने से पहले ये तीन चार चीज़ें कर लें, और उसके बाद अपना पहला गोल भी सोच लें, गोल के साथ अपना न्यूट्रिशन भी देख लें, न्यूट्रिशन के साथ आप अपना वर्कआउट देख लें, और वर्कआउट के साथ अपने फॉर्म्स को भी देखें, मूवमेंट को भी देखें। ये ना हो कि आपको जो कोई कुछ भी बता रहा है आप उस हिसाब से वो पोजीशन में कर रहे हो और आपको फील हो नहीं रहा है, ठीक है गाइस। तो आप फील अच्छे से करें, अपनी मूवमेंट सही रखें एक्सरसाइज के साथ, और अपना पूरा ऐसे बैलेंस बनाकर रखें, अपनी डाइट का बैलेंस बनाएं। दो घंटे गाइस, एक दो घंटे जिम करने से कुछ नहीं होता है, तो अपने डाइट को भी पूरा सही मेंटेन रखें, और साथ में इसको तीन चार छः महीने ऐसे पूरा प्रॉपर साल दें, क्योंकि बहुत एज टाइम मांगेगी गाइस, ये चीज़ें टाइम मांगती हैं। तो आप अपने सही नेचुरल तरीके से अगर करना है तो इसको टाइम दें, फिर आपको एक ना एक डे बाई डे आप बेटर होते जाओगे, आप सीखते जाओगे, आप एक्सरसाइज को सीखते जाओगे, आप उसकी फॉर्म्स को सीखते जाओगे, आप उनके जो मसल लगा रहे हैं उनके फॉर्म्स के अंदर स्टेप्स सीखते जाते जाओगे। तो ये आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी, और ऐसे ही अगर आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी तो आपके साथ में जो गलत कर रहे हैं गाइस, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो न्यू यूथ आ रही हैं आपके पास जिनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पर भी हमको ये नॉलेज नहीं मिली थी, हमें भी ये बताया था कि ये पांच एक्सरसाइज करनी है, इसको तीन बार रिपीट करना है, 15 रैप करने हैं। कभी उसके साथ कर लेते थे, कभी उसके साथ कर लेते थे, कभी उसके साथ, इस बेस पर तो एक दो साल हमारे वेस्ट हुए। तो आपके ये मैं मेन यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपके को अगर कोई करना चाहता है, जो जिनका पूरा पैशन है, मतलब पैशन के साथ उनको नॉलेज नहीं है पर वो करना चाहते हैं, पर वो सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, उनको स्टे कर रहे हैं, फिर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। जो लोग करना भी चाहते हैं काफ़ी जिनों में हैं, जो अपनी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो सीरियस हैं वो ये वीडियो प्रॉपर देखें और ये स्टेप्स समझें गाइस, कि आपने अगर करना है जिम तो उससे पहले अपने आप को थोड़ा बॉडी को एडिक्ट बना लें, पुशअप पुलअप चिनअप्स करें, बॉडी वेट एक्सरसाइज करें, ताकि आपको जिम में प्रॉब्लम फेस ना हो। अगर आप जिम में जा रहे हो तो आपको एक्सरसाइज का पूरा पता होना चाहिए, कौन कौन से किस किस मसल पर हिट हो रही है, कौन एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको कितने रैप्स लगाने हैं, कितने सेट करने हैं, क्या आपका गोल है, क्या आपका न्यूट्रिशन है, ये सब आपको देखना चाहिए। तो गाइस मेन यही था मेरा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो से आप मोटिवेट हुए हो, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इससे मिली हो, और आपको कोई भी आपके से बेटर होते हैं, तो मेरे लिए भाई गाइस ये वीडियो बनाने का पूरा फिर सही हुआ कि आपने ये वीडियो बिल्कुल प्रॉपर देखी है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपको सही मिली है, और आपने इस इन्फॉर्मेशन को आपने गेन किया है, और उस बेस पर आप आगे से बेटर हुए हो। तो गाइस ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, ऐसे ही और सपोर्ट करते रहें, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, मैं आपके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की बनाता रहूँगा, साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहूँगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें गाइस। साहिल फिटनेस फ्रीक गाइस, जय हिंद।